अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ आपके और फिता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा फरमाए और सानिया तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हुंडई सोनाटा है, 2016-17 मॉडल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है इसमें लिखा रहा है चेक BSD सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम का इसका प्रॉब्लम आ रहा है। कस्टमर क्लेम कर रहा है गाड़ी रिवर्स हिट हुई थी किधर, उसके बाद से ये सब प्रॉब्लम्स इसके अंदर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। इधर साइड के ऊपर इसका ब्लाइंड स्पॉट का बटन आता है, आप ये देखें, ये प्रेस करने के ऊपर ये लुमिनेट भी नहीं कर रहा है और ये काम भी नहीं कर रहा है। और इधर ये हमारा बार बार साइन आ रहा है चेक BSD सिस्टम। आज हम देखेंगे इसमें किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है और मैं आपको बताऊंगा ये BSD सिस्टम क्या चीज़ होती है। आपके ये दोनों साइड के ग्लासों के अंदर भी इसका सिग्नल आता है, जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं या हाईवे के ऊपर जाते हैं तो आपके ये BSD सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल होता है आपकी गाड़ी का। आप देख सकते हैं इसकी साइडों के अंदर, शीशों के अंदर भी ये निशान दिए जाते हैं BSD के। जब आप हाईवे के ऊपर होते हैं तो अगर आप गाड़ी ओवरटेक करना चाहते हैं तो फिर भी ये BSD का सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं और पीछे से कुछ ट्रैफिक वगैरह, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह मूव कर रहे हैं तो फिर भी BSD का सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आपकी रडार के साथ चलती है। अगर आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट फ्रंट पे, साइड पे या बैक पे होगा तो ये उसको डिटेक्ट करके आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए गाइड करती है ताकि आपका इंसिडेंट वगैरह होने से सेफ रहे। आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर दो पीछे मॉड्यूल दिए जाते हैं BSD के, एक इसका मास्टर होता है और एक इसका स्लेव होता है। अगर दोनों में से किसी एक के भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपका यह सिस्टम ऑपरेट करना बंद कर जाएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा आ रहा है चेक BSD सिस्टम और ये बिल्कुल ऑपरेट भी नहीं कर रहा है। अगर मैं गाड़ी रिवर्स गियर में भी डालता हूँ तो फिर भी आप देख सकते हैं ये काम नहीं करता है। पीछे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका बम्पर वगैरह ओपन किया है आप लोगों को गाइड करने के लिए भी और इसको चेक करने के लिए भी। अब मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है और फिर इंशाल्लाह इसे डायग्नोस करेंगे और क्लियर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। जो दोस्त आप चैनल पर नहीं आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सब लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। पीछे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिस्टम, फिर इंशाल्लाह इसे डायग्नोस करके क्लियर करते हैं। ये आप देख सकते हैं बम्पर वगैरह इसका सब हमने उतारा हुआ है। इसके पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं चार, जो कि सिस्टम डिसमेंटल किए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं इसके इस जगह के ऊपर ये मॉड्यूल लगा हुआ है, ये इसका BSD का मॉड्यूल है, ये इसका स्लेव मॉड्यूल है जिसके सारा सिस्टम हमारा कम्युनिकेशन करता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ। और इधर से ही इसकी वायरें अटैच हो के इस मॉड्यूल के साथ भी कनेक्ट है जो कि इसका ये मास्टर वाला है। ये दो मॉड्यूल आते हैं इनके अंदर, जितनी भी आपको व्हीकल्स मिलेंगी लेटेस्ट मॉडल की उन सब के अंदर BSD का सिस्टम आपको मिलेगा रेयर बम्पर के अंदर। और आप ये देख सकते हैं कुछ एक्सीडेंट होने के बाद ये इधर हिट हुई हुई है और ये इधर से डैमेज है। इसे हम अभी क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह, रिपेयर करेंगे इसे और इसको कैलिब्रेशन भी करनी पड़ती है सम टाइम, और अगर ये रिप्लेस करें तो फिर इसका प्रोग्राम भी करना पड़ता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके, ये फिज़िकली तो इतना कुछ डैमेज नहीं है, आप देख सकते हैं इसके ब्रैकेट वगैरह कुछ भी डैमेज नहीं है, फाउंडेशन सब ठीक है, सिर्फ इस जगह के ऊपर ये हिट हुई हुई है। इसे आप हम एक बार चेक करेंगे कैलिब्रेशन करके या प्रोग्राम करके, अगर तो ये प्रॉपर चल जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना फिर हमें ये रिप्लेस करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग वगैरह अगर ठीक हो और अगर फिर भी ये काम ना करे तो फिर इसका ये रिप्लेस करना पड़ता है मॉड्यूल BSM का, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर इसमें कुछ फॉल्ट आएगा तो दूसरी साइड का भी काम नहीं करेगा। चलते हैं अंदर, देखते हैं अब इंशाल्लाह इसको क्या फॉल्ट आ रहा है। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं 2016 मॉडल है, अमेरिकी गाड़ी है। जिस डिवाइस के ऊपर आज हम इसे डायग्नोस करेंगे, थिंक डेक की बड़ी वाली डिवाइस है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर आज हम इसे डिटेक्ट करेंगे फॉल्ट को और फिर इंशाल्लाह क्लियर करेंगे।
या आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट आ रही है हमारी, चेक BSD सिस्टम। स्कैनर पे आप चेक कर लेते हैं, थिंग डेक प्लस, ऑल सिस्टम डायग्नोस, फिर प्रेस करेंगे विंड डिकोटिंग के ऊपर, प्रेस कर देंगे ऑटोमेटिक विंड डिकोट कर लेगा। कम्युनिकेशन कर रहा है, आप देख सकते हैं हुंडई सोनाटा 2016 मॉडल इधर से डिटेक्ट हुआ है। इधर से 16 पिन DLC सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सर्च करेंगे। ऑटोमेटिक के अंदर हमें कुछ भी खुद फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद ही इधर से सॉर्ट आउट कर लेता है। इधर से ओके करेंगे, हमारी व्हीकल सोनाटा 2016 है, GDI है, LFA है, इधर से सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। इधर से अब हम जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन में। प्रॉब्लम हमारा BSD सिस्टम में आ रहा है, हमें इधर स्क्रॉल आउट करके नीचे जाना पड़ेगा, इधर इसकी ऑप्शन मिलेगी हमें, ये आप देख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन लिखा आ गया, इसे ओके करेंगे। हमारे दो आते हैं ब्लाइंड स्पॉट, एक लेफ्ट साइड के अंदर इसका मास्टर मॉड्यूल आता है, राइट साइड के ऊपर स्लेव मॉड्यूल आता है। सबसे पहले हम मास्टर मॉड्यूल में देखेंगे, दोनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम आएगा तो आपका ये सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड का चेक करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कुछ हमारा DTC आ रहा है। इधर से रीड फॉल्ट कोड करेंगे, आप देख सकते हैं नो ट्रबल कोड, इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है लेफ्ट साइड में। बैक जाएंगे राइट साइड के ऊपर चेक करेंगे, अब ये ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन राइट आ रहा है, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले रीड फॉल्ट कोड करेंगे, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक परमानेंट कोड आ रहा है प्रेजेंट में, C270354। एक बार रेस करके चेक करते हैं, कंट्रोल मॉड्यूल स्लेव मिसिंग कैलिब्रेशन लिखा आ रहा है, एक बार रेस करके चेक करते हैं, अगर तो टेम्परेली होगा तो चला जाएगा, वरना फिर इसका प्रोग्राम करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। बैक जाते हैं, क्लियर फॉल्ट कोड यस, आप देख सकते हैं क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीट लिखा है, ओके कर देंगे। फिर रीड फॉल्ट कोड में जाएंगे, ये परमानेंट कोड आ रहा है, अब इसका प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। दोनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम आएगा तो आपका ये BSD का सिस्टम काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इधर से बटन प्रेस करने के ऊपर इसके अंदर कुछ भी लाइट लुमिनेट नहीं कर रही है, और क्लस्टर मीटर के अंदर लिखा आ रहा है चेक BSD सिस्टम। इधर से अब जाएंगे हम बैक, ये नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है एक्चुएशन टेस्ट की और स्पेशल फंक्शन की। कैलिब्रेशन वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है वो हमें स्पेशल फंक्शन से क्लियर करना पड़ता है, स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। आप ये देख सकते हैं BSD रिडार कैलिब्रेशन की ऑप्शन मिल रही है, इसे सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमसे कुछ चीज़ों को कन्फर्मेशन मांग रहा है, अब इधर से हम ये सारी चीज़ों को
रीड करने के बाद ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं, वो कह रहा है आफ्टर इग्निशन ऑफ एंड इग्निशन ऑन, कह रहा है गाड़ी का एक बार इग्निशन ऑफ करें, गाड़ी बंद करें और दोबारा ऑन करें, फिर इसे ओके करेंगे। गाड़ी मैंने बंद की है, अब दोबारा मैंने ये ऑन कर दी है और अब इधर से मैं इसे ओके कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है BSD रिडार कैलिब्रेशन कोडिंग हैज़ बीन कंप्लीट, प्रेस ओके टू क्लोज। इधर से ओके कर देंगे और हमारी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। कैलिब्रेशन कंप्लीट होते साथ ही आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लाइट लुमिनेट करना स्टार्ट हो चुकी है। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इसे चेक करते हैं ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम हमारा एक्टिव हो चुका है या नहीं। सबसे पहले इधर से बैक जाएंगे और रीड फॉल्ट कोड अप करेंगे। आप देख सकते हैं नो ट्रबल कोड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये अब बैक चले जाते हैं, फिर बैक चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं राइट ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, रीड फॉल्ट कोड नो DTC और अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो हमारा साइन आ रहा था ये देखें वो साइन आना भी जा चुका है, अब BSD का साइन नहीं आ रहा है। इधर से अब ये बंद कर देते हैं स्कैनर को और अब गाड़ी डस्ट करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाके। अब ये देख सकते हैं आप इधर बटन प्रेस करने के ऊपर ये सिस्टम ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ BSD सिस्टम किस तरीके ऑपरेट करता है। गाड़ी रिवर्स करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मैं पहुँचूँगा तो हमारे ये ग्लासेस के अंदर ये सिस्टम हमें बताएगा, अलार्म भी देगा और साथ में लाइटें भी फ्लश करेंगी इन दोनों साइड्स में। जिस साइड के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट होगा उस साइड की लाइट लुमिनेट करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ब्लाइंड स्पॉट सिस्टम इधर से एक्टिव करूंगा और आप देखिएगा इधर ग्लास के अंदर भी ये सिस्टम लुमिनेट करेगा। ये देखें ग्लास में भी लुमिनेट किया इसने। और अब मैं गाड़ी रिवर्स में डालता हूँ क्योंकि मैं रोड के ऊपर, आप ये देख सकते हैं पीछे मेन रोड है। जैसे ही मैं रिवर्स डालूंगा ये हमारी जिस साइड पर गाड़ी आएगी उसे डिटेक्ट करेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने रिवर्स डाल दी है और अब मैं गाड़ी थोड़ी सी अगर पीछे करता हूँ तो आप देखिएगा ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ये देखें दोनों साइड अब काम करना स्टार्ट हो चुकी है। अभी गाड़ी पीछे से गुजरेगी, वो देखें गाड़ी आ रही है उधर से, ये देखिएगा ये देखें इस तरीके ये सिस्टम हमारा काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये देखें वो देखें दोनों साइड काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करें। यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।